अगले हफ्ते तीन बड़े शोज में तीन बड़े धमाल होने वाले हैं। ये तीन बड़े शोज हैं अनुपमा, बैरिस्टर बाबू और मोल की। तो चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ खास दिखाया जाने वाला है। सबसे पहले बात करें अनुपमा की। जी हाँ, अनुपमा में आप देखने की पारितोष और किंजल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जिस दिन शादी होगी पारितोष और किंजल की, जिस दिन पारितोष किंजल के मांग में सिंदूर भरेगा, उसी दिन जब आशीर्वाद देने की बारी आएगी वहां पर काव्या पहुंच जाएगी और काव्या भी आशीर्वाद देने लगेगी। ऐसे में अनुपमा कहेगी काव्या से कि तुम यहां से चली जाओ, तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है। काव्या कहेगी कि ऐसे कैसे मैं चली जाऊं, क्योंकि मेरा भी यहां पे हक बनता है रहने का। अब यहां पर अनुपमा हाथ पकड़कर काव्या को घर से बाहर करेगी सभी के सामने, और फिर काव्या अनुपमा को कहेगी कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हें तो बेइज्जती तुम्हारी इतनी हुई है, फिर भी तुम्हारा जो ये अकर है वो कम नहीं हुआ है। अनुपमा एक जोरदार थप्पड़ काव्या को मार देगी और फिर काव्या देखते रह जाएगी, फिर वहां पर वनराज भी होगा। यानी कि एट लास्ट अनुपमा ने काव्या को सबक सिखाया। अब बात करते हैं सीरियल मोलकी की। मोलकी में जहां जूही का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, उसमें पूर्वी ने बड़े प्यार से 5 लेयर वाला केक भी बनाया है। लेकिन यहां पर जब पूर्वी को साक्षी के कपड़े और गहने में वीरेंद्र प्रताप सिंह देखेगा तो बहुत गुस्से में आ जाएगा। और आपको बता दें कि उसी वक्त वो पूर्वी को कहेगा कि सारे के सारे जेवर उतारो और ये साड़ी चेंज कर कर आओ। आपको बता दें काफ़ी बेइज्जती पूर्वी की होती है। लेकिन इसके बाद ये बात नहीं मालूम है वीरेंद्र प्रताप सिंह को कि पूर्वी को ये बात मालूम ही नहीं थी कि साक्षी के कपड़े हैं। पूर्वी तो गलतफहमी में इस कपड़े को पहन ली है। पूर्वी जो है वो बहुत दुखी हो जाएगी और फिर वीरेंद्र प्रताप सिंह को अपनी गलती का एहसास होगा। वेल, अब बात करते हैं बैरिस्टर बाबू की। बैरिस्टर बाबू में जैसा कि उस झूठी लड़की की एंट्री घर के अंदर हो गई है जो अनिरुद्ध को अपनी माँ बता रही है, पुनर्जन्म की कहानी बता रही है। मुंशी का खेल तो चल रहा है। मुंशी अपने खेल में यही चाहता है कि वो अनिरुद्ध की जान ले ले। ऐसे में जब ये लड़की अब हवेली में आ चुकी है तो वो अब ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए आपको दिखाई देगी जिससे कि अनिरुद्ध की जान खतरे में पड़ जाएगी। विनोय यहाँ नहीं है, विनोय फैक्ट्री के काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुंशी और इस लड़की को अपना काम करने में आसानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिलोचन काका अब इस लड़की पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल भी नहीं। देखना दिलचस्प होता है कि शो में आगे और कौन से नए ट्विस्ट आते हैं।